राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, ठीक है ना? तब ठीक है। देखिए, आज टाइम हो रहा है 3:30। आज आपको अपना ब्लाउज दिखाते हैं। पहली बात, ये वीडियो लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है। कृपया करके जेंट्स साइड में हट जाएं। आज हम आपको ब्लाउज दिखाने वाले हैं जो आज सिले हैं। सुबह से बैठे थे, अभी को हो गया पूरा, देना था शाम को। तो चलिए आराम से बैठ के दिखाते हैं खटिया पे। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कैसा है? सही है ब्लाउज? देखिए, हमने बनाया है। आपको पता है हम सिलाई कब से कर रहे हैं? जब हम 6-7 में पढ़ते थे तब से सिलाई कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत साल पहले से। एक्चुअली मम्मी मेरी सिलाई करती थी, तो हमको भी सिखा दी धीरे धीरे करके, तो हमको भी आ गया। इसका बाजू कितना सुंदर है ना। एक ये है सिंपल सा, जो मम्मी रेडी भी कर चुकी हैं सब हुक हुक लगा के। ये दोनों अभी तो सीख उठे हैं। सही है, आपको पता है ये सिलाई? हाँ, मतलब हमको हमारी मम्मी ने सिखाया है। जब हम छोटे थे तब से हमारी मम्मी सिलाई करती हैं, अभी भी करती हैं। इसी सिलाई से हम लोग 3 क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। अगर ये सिलाई ना होता तो आज हम जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, शायद वो भी ना बोल पाते। ये तो हमारी मम्मी का, मतलब मम्मी का दिमाग था कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिए और थोड़ा सा बोलना वोलना भी आ गया हम लोग को, नहीं तो हम भी जाते सरकारी स्कूल में बस्ता फेंक के खूब निक पढ़ाई करी थी। हमारी मम्मी ने हम लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाया है। पता है आपको, सिलाई करती थी, पैसा बचाती थी, 30 रुपये महीने हम लोग का फीस था तो देती थी। और हमारे पापा मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनका भी धंधा पानी सही नहीं चलता था, तो सारा काम सिलाई से ही होता था। पढ़ाई लिखाई, उसी में घर का खर्चा, सब कुछ। ये सिलाई हमको आगे बढ़ाया है, यहाँ तक लाया है। आज हम बहुत अच्छे टेलर हो गए हैं। मतलब कि अगर आप हमें कोई भी डिज़ाइन कुछ भी दिखाते हैं ना, हम एक बार देख लेना, उसके बाद आराम से सिल लेंगे। और ना फाप दुनिया का टिटिमा कुछ भी ना चाहिए, सिर्फ एक बार देख लें, ऑटोमेटिक हम सिल लेंगे। इतने अच्छे टेलर हमको बना दिए हमारी मम्मी ने। हमारी मम्मी ना बहुत मस्त है, मतलब सिलाई पढ़ना लिखना सब कुछ मम्मी ने सिखाया है। और आपको पता है, हम जींस भी कपड़ा सिलते हैं। दिखाएं आपको, देखना चाहेंगे? रुके रहिएगा, बोले क्या रहे, आराम से बैठिएगा, ठीक है ना? कहीं जाइएगा मत, हम लेके आ रहे हैं अभी तुरंत। देखिए, ये मैंने अपने पापा के लिए सिला है कुर्ता। हाय फ्रेंड्स, राम राम। देखिए, अभी दीदी नहाए भी नहीं है, जा रहे हैं। देखिए, पानी मतलब जेबा सब लगाए एकदम, पापा के लिए सिले अपने। एक नहीं, 3 सिले हैं। एक ये है, एक पिंक कलर का है, और ग्रीन। 3 तो सिले हैं। पैसा 1 रुपया नहीं दिया हमारे पापा, फ्री में सिलवा लिए हैं। अब पहनते भी नहीं सही से हैं, बोलते फ्री फंड का हो ना तो अच्छा नहीं सिला ला। अब सब बताइए तो अच्छा है कि नहीं? हमको सेट भी सिलने आता है, थोड़ा बहुत पैंट भी सिलने आता है, और कुर्ता तो आता ही है, ब्लाउज सूट जितना भी है ना, सब हमको आता है। किसने सिखाया? हमारी मम्मी ने। अगर सिलाई ना होता तो पता नहीं आज कहाँ होते हम। मम्मी को सिलाई आता था इसलिए हम भी सीख लिए। ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह 8 बजे, आप सबके यूट्यूब के चैनल पे आ जाएगा। आप सब नाश्ता पानी करके, खाना वाना खा के आराम से 8 बजे हमसे मिला आ जाएगा, ठीक है ना? राइट, 8 बजे हम आप सबके जवाब, ठीक। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा नहाने,
उसके बाद आएंगे तो दो ब्लाउज बाकी है, तुरपाई हुक बटन करेंगे, उसके बाद आप सबसे बात करेंगे, सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नहाए से पहले पहले जब जामुन तोड़ा ओकरे बाद जब नहाए कैसे जामुन पगल हो, ठीक। आप सब अपना ध्यान रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सब खुश रह कीजिए कि जिंदगी में ना काम ही काम 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 बहुत सारा है, अगर खुश नहीं है तो फिर बेकार है, सब पैसा सब काम सब बेकार है, ठीक है। पहले आप सब खुश रह कीजिए, जिंदगी मिला है तो काम तो मिलेगा ही। आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। राम राम।